Persistent depressive disorder. Uh, so when we talk about the persistent uh, depressive disorder, uh, it is the term which is like newly introduced in DSM 5. Previously, it is known as dysthymia or chronic depressive disorder. Uh, so uh, by the term, you can get the idea that it is also related with the sadness and sad mood. Uh, persistent depressive disorder johota hai. ये मेनली लेसवेयर होता है देन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड मगर जो इसका कोर्स है दैट हैज प्रवेल्ड ऑन द टू इयर्स फॉर द किड्स इट इज द वन ईयर सो मेनली जो डिफरेंस है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में एक वो टाइम ड्यूरेशन का है दूसरा सिम्टम्स की इंटेंसिटी का है ठीक है तो आमतौर पर ये देखा गया है कि जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप uh, कर रही होती हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से लेकिन ऑल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स इसके अंदर नहीं होती सेकेंडली uh, इसके अंदर कोई एक्यूट फेस नहीं होता यानी ऐसा नहीं होता कि फ्रॉम द लास्ट टू वीक्स जो है आ, वो किसी बच्चे को डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है आ, वो एकदम से एग्जिबिट हो रादर ये जो सिम्टम्स हैं ये परसिस्टेंटली प्रिवेल कर रही होती हैं ओवर द ईयर ठीक है तो जय इस वक्त वो ओवर द ईयर जो है सिम्टम्स प्रिवेल करेंगी उसकी वजह से बच्चे की जो एबिलिटी है वर्किंग कैपेसिटी है वो जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी ठीक है उसका फंक्शनिंग लेवल जो है वो इफ़ेक्ट होगा और जो कम्प्लेंस हैं वो उसके एजुकेशन से भी उसके सोशल इन्वामेंट से भी उसकी फैमिली से भी आना शुरू हो जाएंगी जबकि जो चिल्ड्रन होते हैं या जो एडोल्ट होते हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं दे लॉस द इंटरेस्ट इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़ और ख़ासतौर पर वो एक्टिविटीज़ जो कि वो पहले इन्जॉय करते थे वो जो है उसके अंदर इंटरेस्ट लॉस लौ, कर देते हैं उसके बाद उनका जो फीलिंग है दे व फीलिंग डाउन दे आर फीलिंग सैड इसी तरह जो होपलेसनेस है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है दे आर नाट होपफुल अबाउट देअ फ्यूचर वो हर चीज़ में यही कहते हैं कि दे विल नॉट बी एबल टू अकम्पलिश एनी थिंग तो होपलेसनेस जो है वो फ्यूचर के बारे में उनको बहुत ज़्यादा होती है इसी तरह लैक ऑफ एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है दे डोंट फील दैम सेल्फ़ एनर्जेटिक दे डोंट फील दैम सेल्फ टू वर्क फॉर एनी थिंग इसी तरह दे फील दैम सेल्फ इनकेपेबल ऑफ़ डूइंग एनी थिंग ठीक है यानी दे फील दैट दे आर नॉट गुड अनाफ फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क इसी तरह जो डिसीजन मेकिंग होती है वो करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है दे आर अनएबल टू थिंक के जो uh, उनका डिसीजन है वो राइट right है या रॉन्ग है या उनको क्या चीज़ जो है अपने लिए चूज़ करनी चाहिए तो इस किस्म की जो डिसीजन मेकिंग की उनको प्रॉब्लम्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं इरिटेबिलिटी उनके मूड में देखी जाती है नो no डाउट के सम टाइम Uh, they came uh, with दे uh, with the irritable mood rather than with the sad mood. तो so, ये चीज़ एक जो है वो उनके अंदर डोमिनेट हो सकती है यानी जो बच्चा है उसके पेरेंट्स आके ये तो रिपोर्ट ना करें कि ये सैड है या ये अफसरदा रहता है या ये खामोश बैठा रहता है या इसकी तबीयत में उदासी है ये हंसता नहीं है ये हो सकता है वो इसकी बजाय अगर आपको ये रिपोर्ट करें कि ये जो है वह चिड़चिड़ा महसूस करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इरेटेबल रहता है देन डिक्रीज प्रोडक्टिविटी इसको आप यूँ समझ सकते हो कि चूँकि इनकी अटेंशन और कंसनट्रेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है और ये अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे होते या दे फील दैम सेल्फ लैक इन एनर्जी तो उसकी वजह से जो इनका प्रोडक्टिविटी लेवल है वो लो हो जाता है यानी अगर उनको एकेडमिकली कोई काम दिया गया है तो वो वो नहीं कर पाएंगे या उनको घर में कोई काम करने को कह रहे हैं तो वो वो भी नहीं कर पा रहे ठीक है जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है विद्रॉल टू सोसाइटी सोसाइटी में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, वो इनके इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से किसी भी किस्म का जो रिलेशनशिप है ये नया बिल्ट नहीं कर पाते और जो पुराना होता है उसको लेकर नहीं चल पाते यानी ना वो मेंटेन कर रहे होते हैं ना ही वो न्यू रिलेशनशिप सीख कर रहे होते हैं और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं वो भी इफेक्ट कर जाते हैं देन दे फील गिल्टी ओवर द पास्ट इवेंट्स लाइक अगर कोई चीज़ आ, हुई है उनकी लाइफ में आ, तो उसको वो ब्लेम करेंगे ख़ुद को एंड दे फील देमसेल्फ सेल्फ गिल्टी फॉर द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट ठीक है मिसाल के तौर पर अगर किसी के पेरेंट्स आपस में झगड़ते हैं तो वो माइट बी द चाइल्ड स्टार्टिड टू थिंक दैट इट इज़ ऑल हैपन बिकॉज ऑफ मी ठीक है तो इस किस्म के जो गिल्ती थॉट्स हैं वो उसके अंदर प्रवेल कर सकती हैं देन आइधर बच्चा ओवर ईटिंग करना शुरू कर देगा या वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देगा तो ईटिंग पैटर्न में जो है वो भी चेंज जो है वो देखने में आता है इसके साथ साथ, साथ स्लीपिंग ट्रबल जो बच्चा है उसकी नींद भी जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है आ, या वो बहुत ज़्यादा सोएगा या वो बहुत कम सोना शुरू कर देगा ठीक है तो इस किस्म के जो बिहेवियर्स हैं अगर वो ओवर द ईयर जो है वो बच्चा बार बार रिफ्लेक्ट करे तो हम उसे कहेंगे कि उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर आई एम रिपीटिंग अगेन प्रीवियसली इट इज नोन एज डिस्थाइमिया एंड क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डी एस एम फाइव के अंदर ये टर्म जो है वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से रिप्लेस की गई है ठीक है रिप्लेस कह लें इसे या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं के मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिसमिया डिसऑर्डर जो है उनको कोलाइट करके परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की टर्मिनोलॉजी जो है उसे इंट्रोड्यूस कराया गया है